मैं अनुज अग्रवाल अजमेर तनिष्क शोरूम से, अजमेर के सभी शहरवासियों को मैं तनिष्क की ओर से दिवाली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये चाहता हूं कि आप सबका दिवाली बहुत अच्छे से बने। एमबी मोबाइल एसेसरीज एंड रिपेयरिंग की तरफ से अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सदगुरु ग्रुप की तरफ से अजमेर शहरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मे गॉडेस लक्ष्मी फुलफिल योर ऑल ड्रीम्स कम ट्रू। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। आई एम डॉक्टर नीरू पाठक, प्रिंसिपल डीपीएस अजमेर तबीजी, एंड आई विश अ वेरी वेरी हैप्पी दीपावली टू ऑल द अजमेर। श्री कुबेरा कलेक्शन की तरफ से सभी अजमेर शहरवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पंडित सुदामा शर्मा, अध्यक्ष राजस्थान ब्राह्मण महासभा अजमेर की ओर से शहरवासी एवं विप्र बंधुओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए परिवार की मंगल कामनाएं करता हूं। मैं दीपक तवानी, श्री पद्मावती इलेक्ट्रॉनिक और श्री प्रेम एंटरप्राइजेज अजमेर की तरफ से पूरे शहरवासियों को दीपावली व धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। मामला जो है दरगाह थाने से जुड़ा हुआ मामला है। दरगाह थाना जो कि एक जो है चरस, गांजा, स्मैक, मादक पदार्थों की जो शरण स्थली बनी हुई है, वहाँ से घटना 7/1/2016 की है, जहाँ जो भीकाराम जो वहाँ के सीआई थे तत्कालीन, उनके द्वारा उन्हें एक सूचना मिली कि एक संदिग्ध व्यक्ति है जो इंदरकोट का निवासी है, वो वहाँ पर मादक पदार्थ बेचने की फिराक में है। इस पर जो है दरगाह थाने का जाफ्ता जो है मौके पर पहुँचा तो वहाँ मालूम पड़ा कि इंदरकोट का ही एक निवासी है जिसका नाम मोहम्मद कासिम है, वो वहाँ पर गांजा बेचने की फिराक में है। जाकर उसको धर दबोचा पकड़ा तो मालूम पड़ा कि उसके पास में 5 किलो 500 ग्राम गांजा मिला। मामले के अंदर जो है अभियोजन की तरफ से न्यायालय में चालान पेश होने के पश्चात तो उसमें करीबन 7 तो गवाह कराए गए और करीबन 37 दस्तावेज पेश किए गए। तमाम तर्कों सबूत गवाह के पेश होने के पश्चात माननीय न्यायालय ने आज अंतिम रूप से फैसला दिया है। माननीय विशिष्ट न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट के श्री अनूप कुमार सक्सेना जी ने आज आदेश पारित करते हुए अभियुक्त मोहम्मद कासिम को 10 साल कठोर कारावास की सजा और उसके साथ में 1,00,000 रुपये जो है जुर्माना भी उस पर अधिरोपित किया है और जो है जुर्माना जो है नहीं चुकाने की सूरत के अंदर अदायगी 1,00,000 रुपये और चुकाने का आदेश पारित किया, 6 महीने का कारावास की और सजा का आदेश पारित किया। ये मोहम्मद कासिम जो है दरगाह बाजार के क्षेत्रीय इंदरकोट का ही रहने वाला है और इसके खिलाफ पूर्व में 3 और एनडीपीएस के मुकदमे हैं और ये आपराधिक प्रवृत्ति का और मादक पदार्थों का धंधा प्रारंभ से ही करता चला रहा है।